हेलेन डिसूजा ऑल द वे फ्रॉम थाने. इनका नाम हेलेन डिसूजा है, थाने से आती है. इन द ईयर 2019 2019 में she realized that she would be retiring in the next 2 years. इनको आभास हुआ कि 2 साल के भीतर ये सेवानिवृत्त होने वाली है. Whenever Pastor Michael prayed for children who have stopped their studies, जब कभी Pastor Michael प्रार्थना करते बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी पढ़ाई रोक दी है, or wanted to continue their education, और जिन्हें अपनी पढ़ाई पूरी शुरुआत कर रही है, she would receive it in faith. वो विश्वास से ग्रहण करती. May you be highly qualified. Open your mouth and receive right now. Some of your studies, your careers are not happening. You are going to a new level. Open your mouth. You will receive good news regarding your children. During the pandemic, she decided to study. महामारी के दौरान उन्होंने पढ़ाई करने का निर्णय लिया. एंड अप्लाई फॉर हर सर्वेयर्स लाइसेंस. और उन्होंने अर्जी दी सर्वेयर्स लाइसेंस के लिए. बट टू क्वालिफाई शी नीडेड टू क्लियर अ टोटल ऑफ 12 एग्जाम्स. पर उनकी योग्यता के लिए उन्हें कुल मिलाकर 12 परीक्षाओं को पास करना था. व्हिच शी फेल्ट वुड बी डिफिकल्ट. वो जानती थी कि वो परीक्षाएं कठिन है. बीइंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. प्रतिस्पर्धा होने के कारण शी इज हियर टू टेस्टिफाई. आज गवाही देती है. दैट शी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड हर स्टडीज. उन्हें सफलतापूर्वक उस परीक्षा पूर्ण की है. फिनिश्ड हर एसोसिएटशिप एग्जाम. उन्होंने एसोसिएटशिप परीक्षा पूरी की है. कंप्लीटेड हर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. प्रशिक्षण भी पूरा किया है. एंड नाउ हैज रिसीव्ड हर IRDAI सर्वेयर्स लाइसेंस. उन्हें प्राप्त हुआ है IRDA सर्वेयर लाइसेंस. एंड नाउ कैन वर्क एज ए सर्वेयर. और वो एक सर्वेक्षक के रूप में काम कर सकती है.